गुड मॉर्निंग बच्चों। फॉर मैक्सिमम करंट फॉर मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल जानते हैं। इससे पहले अपन ने जो पढ़ा था वो अपन ने कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन सीरीज एंड मैक्सिमम करंट इन पैरेलल दोनों के कंडीशन को अपन ने वहाँ पे देखा था। अब अपन ने क्या किया कि जैसे मान लो हमने आपको बहुत सारे सेल्स दे दिए और अपन ने कहा कि आप इसको सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करके इसको मैक्सिमम आउटपुट ऑफ करंट की वैल्यू को आप इंट्रोड्यूस करो, ठीक है। तो आपने क्या किया कि इसको एन सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया और एम सेल्स आर इन पैरेलल हो गए, ठीक है। और यह इस सर्किट को पूरे अपन ने कनेक्ट कर रखा है जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपन आर से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखे हैं, ठीक है। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि टोटल सेल अपने पास कितने हैं। तो अपन ने क्या किया कि कहेंगे कि इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल देयर आर एन सेल्स इन सीरीज एंड एम सेल्स आर इन पैरेलल। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन दिस कॉम्बिनेशन इज एम इन टू एन, मतलब टोटल नंबर ऑफ सेल अपन को पता चल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ईएमएफ निकालेंगे। तो ईएमएफ निकालने के लिए अपन क्या कहते हैं कि जैसे नेट ईएमएफ ऑफ ईच रो ऑफ एन सेल्स आर इन सीरीज, जैसे अपन को टोटल नंबर ऑफ सेल जो है एन सेल्स है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, तो एक सेल का ईएमएफ एप्सिलॉन है तो एन सेल का ईएमएफ एन इंटू में एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। अब अपन कहेंगे नेट ईएमएफ ऑफ एम सच रो ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो एक सेल का अपन को एम एप्सिलॉन है तो टोटल अपन को एम टोटल एप्सिलॉन ही होगा इसके अंदर। तो उसके बाद अपन ने कहा कि फोर सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये अपना एनआर हो जाएगा, और फोर पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो आर डैश इज इक्वल टू अपन क्या कहेंगे एन आर अपॉन में एम, ये अपन इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए अपन ने कह दिया। अब टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट क्या होगा, तो आर प्लस के एन आर अपॉन में एम, ये अपना टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, इसी को एम को हमने एलसीएम ले लिया तो ये एम आर प्लस के एन आर अपॉन में एम हो गया। अब यहाँ से हमने कहा करंट, तो नो टोटल ई एम एफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, तो एन इंटू ई एम एफ अपॉन में एम आर प्लस के एन आर अपॉन में एम, इसी एम को हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया तो एन इंटू ई एम एफ अपॉन में एम आर प्लस के एन आर हो गया, ठीक है। अब अपन यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर इसमें डिनोमिनेटर अगर मिनिमम हो तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है, क्योंकि अपन अब यहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल की बात तो हो नहीं रही है, दोनों की हो रही है कि एम सेल्स इन सीरीज एंड एन सेल्स इन सीरीज एंड एम सेल्स इन पैरेलल। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इसके डिनोमिनेटर को मिनिमम करेंगे। तो डिनोमिनेटर जब मिनिमम हो जाएगा तो अपन को करंट आउटपुट जो मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। तो इसको मिनिमम अपन कर कैसे सकते हैं, तो उसके लिए हम एक कंडीशन को जस्टिफाई किए हैं। हमने लिखा नीचे कि एम आर प्लस एन आर इज इक्वल टू, हमने इसको क्या किया स्क्वायर रूट भी कर दिया और स्क्वायर भी कर दिया, तो दोनों नंबर एक ही है क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपन को एम आर ही है ना। और उसके बाद प्लस के हमने एन आर वाले सेक्शन को लिखा स्क्वायर रूट ऑफ एन आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है तो अपन को मतलब एन आर ही है। और हमने क्या किया इसमें माइनस के टू रूट अंडर एम आर इंटू रूट अंडर एन आर लिख दिया, तो अगर हमने माइनस का इसको किया तो हमने प्लस का भी करना पड़ेगा, तभी तो ये कैंसिल आउट होकर के पहले वाली ही क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करेगा। तो हमने इसमें किया प्लस के टू रूट अंडर एम आर इंटू में रूट अंडर एन आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ऊपर वाला जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी के होल स्क्वायर को जस्टिफाई करता है, अब प्लस के रूट टू रूट अंडर एम आर और एन आर हो गया, तो इसको हमने लिखा रूट अंडर एम आर माइनस रूट अंडर एन आर ऑफ होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर टू इंटू रूट अंडर एम आर इंटू में एन आर। ये इसको अपन क्या करेंगे, ये पार्ट जो है अपन को कोई जस्टिफिकेशन नहीं देता, इसको अपन नेग्लिजेबल कर देंगे। तो अपन को यहाँ पे बचा क्या, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है रूट अंडर एम आर माइनस रूट अंडर एन आर, तो ये मिनिमम कितना हो सकता है, तो कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो मिनिमम जीरो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में स्क्वायर नंबर जाता नहीं है तो अपन मिनिमम उसको जीरो ही कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें हमने लिखा है कि रूट अंडर एम आर माइनस रूट अंडर एन आर ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो अपन को यहाँ पे इसको जीरो से इक्वेट किया तो ये रूट अंडर एम आर इज इक्वल टू रूट अंडर एन आर हो गया, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट इसका कैंसिल आउट, तो एम आर इज इक्वल टू एन आर कह देंगे। तो यहाँ से कैपिटल आर को सब्जेक्ट बनाया तो अपन ने क्या लिखा एन आर अपॉन में एम, ठीक है। तो ये अपना अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है अगर एन आर अपॉन में एम हो जाए तो उस सिचुएशन में अपन कहेंगे
कि इस मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के अंदर कि ये मैक्सिमम आउटपुट ऑफ करंट की वैल्यू को इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो आई नाउ मैक्सिमम आई इज़ आर इज इक्व टू एन आर अपॉन में एम, ये पुट करके देख लीजिए। तो यहाँ पे अपन को क्या हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो गया, एन आर प्लस एन आर 2 NR हो गया, एन से एन कैंसिल हो गया, तो एम इंटू ई एम एफ अपॉन में एन आर भी 2 R भी अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना एक मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ, जनरली आप लोगों से जो है ना ये मिक्स कॉम्बिनेशन वाले ही कंडीशन को पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान में बिल्कुल अच्छे से रख लेंगे आप लोग। अब अपन को है जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ, इस पर जनरली आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। मैं इस पर न्यूमेरिकल भी आप लोगों को दूंगा, बताऊंगा, जब आप डॉट क्लास के अंदर आएंगे तो आप इस पर न्यूमेरिकल मेरे से सीख लेंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट आप देखोगे ना विजिबली तो वो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ का मैं आज थ्योरेटिकल प्रिडिक्शंस बता देता हूँ कि कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ के अंदर अपन कहते हैं फर्स्ट लॉ, किरचॉफ ने जनरली दो लॉ दिया। एक्चुअली किरचॉफ लॉ आया क्यों, तो किरचॉफ लॉ आया इसलिए कि जब ओम्स लॉ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के अंदर करंट के इंट्रोडक्शंस या पोटेंशियल डिफरेंस या रेजिस्टेंस के इंट्रोडक्शंस के लिए जब वो फेल हो जाता है तो उसके लिए अपन को किरचॉफ लॉ का यूज आया। तो किरचॉफ ने क्या कहा, किरचॉफ ने दो रूल बनाया, ठीक है, जिसमें अपन ने किरचॉफ ने फर्स्ट रूल के अंदर बताया कि इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क द अल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स एट एनी जंक्शन इज जीरो, ठीक है। इसी को हमने दूसरे लैंग्वेज में भी लिखा है, द सम ऑफ करेंट्स एंटरिंग या एंट्री अ जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करेंट्स लिविंग दैट जंक्शन, ठीक है। दैट इज समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो एट एनी जंक्शन। जैसे अपन मान लो कि कोई जंक्शंस की बात करते हैं जहाँ पे मान लो कि यहाँ पे इनकमिंग करंट हो, तो मतलब क्या कि जैसे यहाँ पे हमने शो कर रखा है आई वन एंड आई टू यहाँ पे आ रहा है इस पॉइंट के लिए, जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, तो जैसे आई वन एंड आई टू आ रहा है और आई थ्री और आई फोर यहाँ से इस जंक्शन से जा रहा है, तो मतलब क्या ये जनरली चार्ज कंजर्वेशन पे वर्क करता है। तो जैसे जितना नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स किसी जंक्शन के ऊपर आता है वहाँ से उतना ही नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल वहाँ से लीव भी करता है, तो मतलब टोटल इनकमिंग करंट जो होता है किसी जंक्शन के ऊपर वो टोटल आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। तो दैट मीन्स कि जंक्शन के ऊपर तो कोई करंट रहेगा नहीं, क्योंकि ये तो चार्ज कंजर्वेशन पे काम करता है, तो चार्ज को अपन ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसलिए अपन ये कहते हैं कि ये जो करंट जितना किसी जंक्शन के ऊपर आता है वहाँ से उतना ही करंट यहाँ से लीव कर जाता है, दैट मीन्स कि समेशन ऑफ आई इक्वल टू जीरो एट एनी जंक्शन। इसीलिए हमने यहाँ पे लिख रखा है कि द सम ऑफ करंट्स एंट्री अ जंक्शन, मतलब कि इनकमिंग करंट, ठीक है, किसी जंक्शन के लिए उसका जो सम होगा वो इक्वल होगा किसके, द लिविंग जो करंट है उस जंक्शन से उसके, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिख सकते हो आप आई वन प्लस आई टू इज इक्व टू जीरो, दैट मीन्स कि आई वन प्लस आई टू प्लस माइनस आई थ्री जो अपन को इनकमिंग होगा उसको अपन पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लिविंग फ्रॉम द जंक्शन होगा उसको अपन नेगेटिव साइन से इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो आई वन प्लस आई टू प्लस माइनस ऑफ आई थ्री क्योंकि ये आउटवर्ड डायरेक्शंस में था, प्लस माइनस ऑफ आई फोर क्योंकि ये आउटवर्ड डायरेक्शंस में यहाँ पे है लिविंग फ्रॉम द जंक्शन है, इन टोटल को अपन ने जीरो कहा है। या प्लस माइनस देखिए आप आई वन प्लस आई टू माइनस आई थ्री माइनस आई फोर, इस माइनस को कॉमन लेकर के आई थ्री प्लस आई फोर लिख सकते हैं। फिर हमने क्या किया, आई थ्री प्लस आई फोर को उधर शिफ्ट कर दिया इक्वल टू के, तो वो पॉजिटिव हो गए। तो आई वन प्लस आई टू क्या था, इनकमिंग करंट था, इज इक्वल टू आई थ्री प्लस आई फोर क्या हो गया, आउटगोइंग करंट हो गया। तो यही चीज़ें हैं कि किसी जंक्शन के ऊपर जितना आता है करंट उतना ही उस जंक्शन से क्या करता है, लीव कर जाता है, आउटगोइंग करंट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बच्चों अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद किरचॉफ्स ने क्या किया, एक सेकेंड रूल को जस्टिफाई किया। सेकेंड रूल के अंदर अपन को किरचॉफ्स ने क्या बताया कि अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ नेटवर्क द अल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज, ठीक है, सॉरी, अल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो। उसने बताया कि किसी क्लोज लूप के जो नेटवर्क होते हैं, ठीक है, उस लूप के अंदर जो अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो जीरो होता है, मतलब वी इज इक्व टू आई आर जो अपन निकालेंगे किसी क्लोज सर्किट के अंदर उसका जो टोटल सम होता है वो जीरो कहेंगे, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का। दूसरे लैंग्वेज में इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द अल्जेब्रिक सम ऑफ द ई एम एफ ऑफ एनी लूप ऑफ अ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस,
मतलब ईएमएफ, सम ऑफ ईएमएफ जो होगा वो सम ऑफ आईआर के बराबर होगा किसी भी क्लोज सर्किट के लिए, ठीक है। तो इसको भी अपन बच्चों ध्यान में रखेंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन दोनों लॉ का जनरली जब अपन न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करते हैं ना, तो इन दोनों लॉ का हमें यूज़ होता है, तो हमें इन दोनों लॉ को जानना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कहते हैं कि द अल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ इन एनी लूप ऑफ अ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द करेंट एंड रेजिस्टेंस। मतलब कि किसी सर्किट के अंदर जो टोटल ईएमएफ होगा, ठीक है, एप्सिलॉन, इसका जो टोटल होगा वो टोटल आई आर के, मतलब आई इंटू आर के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको अपन बच्चों बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन इसके अंदर साइन कन्वेंशंस का रूल होगा, उस साइन कन्वेंशंस के रूल को भी मैं समझाता हूँ नेक्स्ट पीरियड के अंदर, ठीक है बच्चों, ओके।